काले खान ये दो तीन लड़के ले के आए और बोले जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा, नारा लगेगा अल्लाह। नारा लगा लेकर हम लोग जय श्री राम, ये लोग जय श्री राम का नारा लगाए उनके दरवाजे या यहाँ नहीं मंदिर है। उसको कमरे में बंद करके 3 गोली मारी। हम 22 तारीख को जो दीपदान होना था, भंडारा मेरा भाई कराने वाला था, उसी की इन लोगों ने साजिश की वो नहीं होगा, मुसलमान का नारा लगाइए। तो हम हिंदू होकर मुसलमान का नारा क्यों लगाए? काले को काउंटर करिए, 3 भाई उनको हम कैद के साथ चाहिए। अगर उनका भाई बच गया तो हम लोग को जिंदा आरे मार देगा। ये हुई है। तो क्या नाम है आपका? राम कश्यप। तो ये भैया कैसे घटना हुई? जो घटना हुई शनिवार को सब लड़के मंदिर में सफाई कर रहे हैं। सफाई करते करते बच्चे हैं, इन्होंने कहा चलो 5-5, 10-10 रुपये चंदा करके अब भाव 22 जनवरी को राम जी का भाव में श्रृंगार करेंगे और भंडारा कराएंगे। और उसके बाद 2-3 लड़के आ गए, काले खान ये 2-3 लड़के को लेके आए और बोले जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा, नारा लगेगा अल्लाह अकबर का। उस समय तो सब लोग चंदा लेने के लिए आप यहाँ वहाँ चंदा गली में खाली हमारा गुरुजी जी देंगे। इसी इलाके में जितना है तो हमने मना भी किया चंदा न लेना, 500 रुपये हम दे देंगे, बाकी विनोद लोग सब लोग मिल के 5 किलो बूंदी मंगा, 5 किलो शक्कर मंगा के प्रसाद बंटवा देंगे। वो लोग जो है बोले नहीं श्री राम के नारा नहीं लगेगा। अच्छा, वो भी पास में रहते हैं, घर उनका पास में बगल पास हो। अच्छा, उसके बाद शाम को तो सब लोग समझा बुझा सुबह ये गया। घटना कितने बजे की जिस टाइम बातचीत हुई है आपकी? किस टाइम क्या था? ये टाइम था रात में करीब 10:30-11 बजे कल दिन में शनिवार की रात। कल ये सुबह जब पाइप लगाने के लिए गया तो इसको बुलाया, बोले बेटा यहाँ ना हो, इधर जाओ, कमरे सामने जाओ। हाँ, ये गया, इसको खींच के ले जाके पहले ज्यादा नारा लगा नहीं। उस बातचीत जो आपकी बातचीत हुई थी उस टाइम तो कोई कहा सुनी सी हुई थी क्या? नहीं कोई ना दुश्मनी। आप लोग मतलब चंदा लेने गए वहाँ पर? चंदा लेने नहीं गए, वहाँ नहीं गए हम लोग, आपस में ये लोग बात कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो फिर नारा लगा लेकर हम लोग जय श्री राम का नारा लगा उनके दरवाजे या यहाँ मंदिर पे आपने जगह लगा। हाँ, फिर वो लोग आ गए। उसके बाद सब लोग मिलके समझौता कराते, कहा भैया तुम अपना करो हम लोग अपना करो। सुबह इसको बुला कर धोखे से ले गए, इसको मारा, खोपड़ी भी फाड़ डाल। धोखे से क्या बता के ले गए आपको? नहीं, हम मतलब प्लम्बिंग काम करते हैं, उनको गुरुजी बात कर रहे, गुरुजी 22 तारीख का मंदिर का सहयोग करा दीजिए। टोटेदार किससे कहा? मंदिर वालों से नहीं, मतलब गुरुजी हैं प्लम्बर। अच्छा, उनके घर गए थे, गुरुजी 22 तारीख को मतलब मंदिर सजाया जाएगा, सब बटेगा, 22 तारीख हर जगह पूरा देश में हो रहा। तो इनका है बेकर रात का जा रहा तो नारा लगा था जय श्री राम मोदी होगी, जय श्री राम। किसने कहा है बात? काले खान। फिर कहीं भाई धरा हम का जब तक वो कहा है लोग रात रोड का है मारे, जब तक उनका बचाए गए, जब थाने गए, थाने में कोई सुनवाई नहीं। हमारे भाई का पूछे कहा है मारो, जब तक हमारे भाई का मार मार पूरे लेडी से गोली मार। तो दोनों भाई एक साथ गए थे क्या वहाँ? नहीं, हम लोग काम के गए थे, कल हमारे उनके बर्थडे रहे। पहले इसको मारा, इसको मारने के जब सब लोग इसको लेके थाने या हॉस्पिटल गए, लेकिन थाने में कोई सुनवाई नहीं भाई। उसके बाद जब बड़े वाले भाई को इसको मारा, वो थाने तक गए, जब वो उसको मालूम हुआ वो दौड़ के उनके घर गए, भाई क्यों मारा उसको। उसको आपका भाई गया उनके घर? उनके बड़े भाई विनोद कश्यप। उसको कमरे में बंद करके 3 गोली मारी, जब अंदर कमरे के अंदर खींच के ले गए उनको, कमरे में खींच के। अब गोली मारने के बाद एक पत्थर खोपड़ी मार दिया, वो बाहर ढकेल दिया यहाँ से पानी सर, और ठंडा पानी 10-12 बाल्टी पानी डाला। जब यहाँ हल्ला मचा, यहाँ सब लोग उठाने गए उसको, तो ऊपर से पत्थर, आदमी औरतें बच्चे सब पत्थर चलाने लगे कि ये जब तक मर ना जाए इसको उठा लेना। तो इसमें कोई पुरानी रंजिश आपकी नहीं? हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पूरे मोहल्ले में किसी से हम लोग को कभी आज तक टूटू मैं नहीं हुआ। अच्छा, एक तो एक चीज़ और निकल के सामने आ रही है कि आपके यहाँ से ही जो मैंने देखा है कि 2 बयान आ रहे हैं, एक तो जिसे पुलिस कह रही है कि पहले से कुछ विवाद जो है कि कुछ चल रहा था, आपके यहाँ से दो बयान आ रहे हैं कि जैसे कि एक लोग कह रहे हैं कि पुरानी रंजिश की वजह से हुआ है, तो हकीकत इसकी क्या है? हम लोग हकीकत पे जानना चाहते हैं, हकीकत क्या है? 22 तारीख को जो दीपदान होना था, भंडारा मेरा भाई कराने वाला था, उसी की ये लोग ने साजिश की कि वो नहीं होगा, मुसलमान का नारा लगाइए, तो हम हिंदू होकर मुसलमान का नारा क्यों लगाएंगे सर? ये बताइए। हमारी कोई साजिश नहीं। मेरे भाई को देखिए, देखो हम मर्डर कर दिया, कपूल मर्डर कर दिया, हमें काले को गिरफ्तारी चाहिए, इनकाउंटर चाहिए, सर उम्र कैद की सजा चाहिए। पहले मर्डर कर चुका, प्रशासन कह रहा एप्लीकेशन लेकर पूरे लव लवान हम लोग प्रशासन कह रहा उधर एप्लीकेशन लेकर उनके पास जाए, सर मैडम आपने जैसे पुलिस को सूचना किया तो पुलिस तत्काल वहाँ पे नहीं दे रहे, ऊपर पत्थर चला रहे थे सर, बताइए। पुलिस वहाँ से जब घंटे के बाद हमको लिखित दीजिए, लिखित हम लिखित किस चीज के दे? मेरा भाई मर गया, उस चीज का लिखित दे। अब हमको लिखित आप लोग दीजिए, काले बाबू इनकाउंटर करिए, 3 भाई उनके उम्र कैद की सजा चाहिए। अगर उनका भाई बच गया तो हम लोग को दिन दहाड़े मार देगा, इसकी क्या उम्मीद है? क्या हम रखेंगे कि वो हमको लोगों को मारेगा? नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बताइए किसके सहारे रहेंगे सर? तो क्लियरिटी बात सही यही है कि पुरानी कोई किसी प्रकार की कोई रंजिश पुरानी है, बहुत गलत किया है। ये बाहर मंदिर है सर, वहाँ पे दीपदान और भंडारा होने का मेरा भाई रखा ही रहा था, सबसे इसी बात पे चर्चा कर रहा था, बस और कोई ऐसी बात नहीं है सर। फोटो मेरे भाई की, तो जो नारा लगाया उसी मंदिर पे लगाया, किसी दरवाजे जाके